फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय मामा देव। कैसे हो आप सब लोग? ओके, माई सेल्फ रिश्मा गोंडलिया, आई एम ड्रॉइंग टीचर। आज मैं आप लोगों की ये ड्रॉइंग बुक में, कौन सी ड्रॉइंग बुक है मालूम है आप लोगों को? आर्ट साड़ा। चलो वो बुक निकालनी है आप लोगों को, आर्ट साड़ा है वो बुक निकालो और पेज नंबर 5 निकालना है। चलो ओपन करो बुक, पेज नंबर 5। पेज नंबर 5 पे आप लोगों को कौन कौन सा ड्राइंग दिया है? तो काइट दी है, स्टार दिया है एंड टी शर्ट ड्रॉ करके दिया है। तो यहाँ पे जितनी भी ब्लैंक आप लोगों को दिखाई दे रही है वहां पे आप लोगों को ड्रॉ करना है। लेकिन कैसे ड्रॉ करना है? चलो मेरे साथ आप लोगों को ड्रॉ करना है। उसमें आप लोगों को पेंसिल एंड स्केल की जरूरत पड़ेगी। तो काइट तो आप लोगों को अच्छी लगती है ना ड्रॉ करने की, तो आप लोगों को यहाँ पे कैसे ड्रॉ करना है वो मैं बड़ा आप लोगों को ड्रॉ करके दिखाती हूँ। तो काइट में पहले आप लोगों को ऐसे क्रॉस लाइन पहले करना है, पेंसिल ही यूज करनी है और लाइट पेंसिल चलानी है, डार्क पेंसिल नहीं चलानी है। दोनों साइड से आप लोगों को ऐसे क्रॉस लाइन करनी है, फिर नीचे करनी है, छोटी सी लाइन क्रॉस लाइन की। अब यहाँ पे फिर से जैसे आप लोग ट्राइंगल करते थे वैसे ही आप लोगों को स्टार में भी वैसा ही करना है। हो गया इतना। अब स्केल को ऐसे रखनी है, ये 1 नंबर की लाइन है, ये 2 नंबर की लाइन है, अब ये 3 नंबर की लाइन आप लोगों को ऐसे स्केल को ऐसे थोड़ी सी क्रॉस में रख के ये 2 नंबर की लाइन को ज्वाइंट करना है। कंप्लीट। ये कितने नंबर की लाइन हुई? 3 नंबर की लाइन। अब 4 नंबर की लाइन है वो स्लिपिंग लाइन करनी है, लेकिन जो 3 नंबर की लाइन है उसके साथ ज्वाइंट करके आप लोगों को करना है। कंप्लीट। अब ये कौन सा नंबर की लाइन हुई? 4 नंबर की लाइन। अब आप लोगों को यहाँ पे 5 नंबर की लाइन, ये 4 एंड 1 नंबर की लाइन को आप लोगों को ज्वाइंट करना है। कंप्लीट। स्टार हो गया ना इजी से। 5 लाइन आप लोगों को कंप्लीट करनी और स्टार है वो आसानी से हो जाएगा। अब आप लोगों को क्या करना है? टी शर्ट ड्रॉ करना है ना। तो कैसे ड्रॉ करना है? तो पहले आप लोगों को ऐसे ऊपर से स्टैंडिंग लाइन, लेकिन छोटी सी स्टैंडिंग लाइन बनानी है। हो गई। अब आप लोगों को यहाँ पे छोटी सी स्लिपिंग लाइन बनानी है। दोनों साइड एक ही साइज रखना है, स्टैंडिंग लाइन को बीच में रख के दोनों साइड आप लोगों को स्लिपिंग लाइन है वो सेम ही रहनी चाहिए। अब आप लोगों को उसकी स्लीव भी बनानी पड़ेगी ना। तो चलो स्लीव में थोड़ा सा जहां पे हम लोगों ने स्लिपिंग लाइन बनाई थी वहां से थोड़ी सी स्केल है वो क्रॉस रखनी है और यहां से इतनी उसकी स्लीव बना लेनी है। कंप्लीट। अब यहां से फिर से आप लोगों को उसकी स्लीव में अब अंदर की साइड
था उतना ही आप लोगों को नीचे की कमर का पार्ट लेना है। ओके, हो गया इतना कंप्लीट। अब आप लोगों को क्या करना है, उसका नेक ड्रॉ करना है। तो यहाँ से शोल्डर से ही आप लोगों को ऐसे क्रॉस में वी शेप करना है आप लोगों को। नीचे से आप लोगों को ऐसे कंप्लीट, ये टी शर्ट है वो आप लोगों का कंप्लीट हो गया। अब आप लोगों को क्या करना है, इसके अंदर कलर फिलअप करना है। तो कलर है वो कौन से कलर लेने हैं आप लोगों को, क्रेयॉन्स कलर लेने हैं। कौन से कलर, क्रेयॉन्स कलर। तो ये सब कुछ हो जाने के बाद आप लोगों को पहले आउटलाइन देनी है। तो आउटलाइन है वो कौन से कलर से देंगे, ब्लैक कलर से। चलो ब्लैक कलर निकालो सब लोग। ब्लैक कलर निकाल लिया। अब आप लोगों को जहां पे आप लोगों ने काइट स्टार एंड टी शर्ट ड्रॉ किया था उसके ऊपर ही आप लोगों को आउटलाइन देनी है। तो ये भी स्केल से ही आप लोग आउटलाइन देंगे, स्केल पेन से नहीं देना है, क्रेयॉन्स कलर से ही, वो भी ब्लैक कलर से देना है। थोड़ा सा डार्क चलाना है। स्केल क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो लाइन है वो इधर उधर ना चली जाए। आउटलाइन देंगे तो अच्छी तरह से दिखाई भी देगा। साथ में करते जाना है अच्छी तरह से आप लोगों को। हो गई काइट में भी हमारे लोगों की आउटलाइन है वो कंप्लीट हो गई। अब स्टार में जैसे स्टार ड्रॉ किया था वैसे ही वन बाय वन लेते जाना है। स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करनी है, शोल्डर बनाना है, फिर यहाँ पे स्लीव बनाने के लिए थोड़ी सी स्केल है वो क्रॉस करनी है। दोनों साइड एक साथ ही आप लोगों को वन बाय वन करते जाना है। निकाला रेड कलर। चलो अब काइट में कैसे कलर फिलअप करना है, मैंने आप लोगों को आगे भी पेज नंबर 4 पे भी सिखाया था कि कलर है वो कैसे फिलअप करना है, ड्राइंग भी कैसे करना है। तो काइट में आप लोगों को ऊपर से ही लेना है, कलर फिलअप करना है, ऐसे गोल गोल घुमाते हुए कलर को मिक्स करते जाना है और ऐसे स्लीपिंग लाइन में ही कलर फिलअप करते जाना है। और कलर डार्क कलर फिलअप करना है, लाइट लाइट कलर नहीं। और कलर है वो बाहर ना निकले वो आप लोगों को ध्यान रखना है। बीच में ऐसे जिगजैग टाइप का कलर है वो नहीं फिलअप करना है। ऐसे गोल गोल ही कलर घूमना चाहिए।
चलो ग्रीन कलर निकला आप लोगों को, डार्क ग्रीन कलर निकालना है। मैंने उस बार भी आप लोगों को बताया था, यहाँ पे कौन सा कलर है, पैरोट ग्रीन कलर, डार्क ग्रीन कलर एंड पैरोट ग्रीन कलर का आप लोगों को पैरोट ग्रीन कलर निकालना है, डार्क ग्रीन कलर नहीं। यहाँ पे दोनों जगह पे आप लोगों को डार्क पैरोट ग्रीन कलर ही फिलअप करना है, डार्क ग्रीन कलर नहीं। ऐसे गोल गोल घुमाते हुए ही आप लोगों को मिक्स करना है, तो कलर बाहर ना निकले वो आप लोगों को ध्यान रखना है। ओके, हो गई ना हमारी काइट है वो कंप्लीट। अब स्टार में आप लोगों को कौन सा कलर दिया है, स्काई ब्लू कलर है येलो कलर, और टी शर्ट में ऑरेंज कलर। मैंने आप लोगों को काइट में कैसे ड्रॉ करना है वो सिखाया, अब स्टार में और टी शर्ट में आप लोगों को करते जाना है। ओके, थैंक यू।